स्टेशन जा रहा था वो पापा मेन रोड पे मिल गए। पता है शायद मामा। बड़ा ध्रुव, इसने कहा था तुम्हें स्टेशन जाने को? एक मिनट किट्टू, हम लोग कितना परेशान थे इसके लिए पता है इसको? एक साल से बॉबी श्रद्धा से अलग रह रहे। मेरी बेटी ने आवारा लड़की की तरह भागकर शादी नहीं करी। आपकी मनहूस बेटी के चक्कर में तो उसकी तरक्की रुक ही गई थी। वो पापा सिंगापुर में है ना, इसलिए मम्मा बोर हो जाती है। खाना बनाकर लोगों के लिए डब्बे में भेजती है और उसी से मेरी स्कूल फीस भी भरती है। क्यों सदा क्यों? जीने के लिए पापा। झगड़ा तो दोनों में बहुत पहले से ही चल रहा था। बॉबी का काम नहीं था इसीलिए। उसका पति घर बेचकर खा चुका है। 3 महीने से किराया नहीं दिया तुम्हारी बहन ने, 6 महीने से थोड़ा थोड़ा करके किराया दिया उसने। कैसे कैसे करके बेचारी अकेले जिंदगी काट रही थी। आटा कहिए, बोल बोल तेरा मकसद क्या? सजा सजा चाहिए मुझे। प्रायश्चित करने आया हूं अपनी गलती का।
वो खुशी, वो दुनिया जिसे मैंने ठुकरा दिया, उसे वापस पाने की भीख मांगने आया हूं आपके पास। तेरे जैसे लोग कभी भी किसी के सगे नहीं होते। आनंद, बस। गुस्सा इंसान की सोचने की ताकत छीन लेता है। इंसान गुस्से में सोचता भी है ना, तो बस एक ही नजरिए से, नफरत की। रिश्ते जोड़ने से बनते हैं, और रिश्तों को जोड़ने के लिए मौके दे दिए जाते हैं, गलतियों को माफ किया जाता है, बीती बातों को भुला दिया जाता है। बेटे, पर मम्मी आज भी फ्रॉड है, आपको पता नहीं श्रद्धा के साथ क्या? प्लीज, अगर बॉबी भाई साहब को श्रद्धा दीदी की परवाह नहीं होती तो वो कभी लौट के नहीं आते। बेटे, तुम इस मामले में जिंदगी भर तुझसे नफरत की है, लेकिन मेरी बदकिस्मती यह कि तुझे वो चाहती है जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। अगर तू मेरी बेटी की खुशियां लौटाने आया है, मैं सारे गिले शिकवे भूल कर तुझे अपने गले से लगाने के लिए तैयार। मैं जानता हूं मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। I'm sorry. I'm really very sorry, पापा।
प्लीज आइए। ये है श्रद्धा दीदी का कमरा, हम सबने मिलकर सजाया है खास आपके लिए। अरे खुल के मुस्कुराइए भाई साहब, ये आप ही का ससुराल है। और हाँ, यहाँ तो आपका ही ऑर्डर चलने वाला है, पर हाँ प्लीज आनंद की तरह एक बोरिंग दामाद बन के मत रहिएगा अपने ससुराल। मतलब? मतलब ये कि आनंद जब अपने ससुराल जाते यानी कि मेरे मायके, तो बस वो अपनी धुन में कोने में पड़े रहते हैं। उन्हें खाना दे दिया तो खाना खा लिया, शरबत दे दिया तो शरबत भी पी लिया, और ऊपर से मेरी माँ, उन्हें बेकार में टेंशन हो जाती। हाय रब्बा, कहीं मेरे दामाद जी को बुरा तो नहीं लग गया, किसी बात पे वो नाराज तो नहीं हो गए? इसलिए आप भी अपने ससुराल में अपनी सास को ऐसे टेंशन मत दीजिएगा। दीदी अंदर आइए ना। हाँ क्यों खड़ी है? बॉबी भाई साहब, आनंद आप पापा जी की बात का प्लीज बुरा मत मानिएगा, वो दोनों सही थे। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, गलती मेरी है, उनका गुस्सा जायज है। I'm really very sorry, मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया। अरे तो कोई बात नहीं, उसकी ट्रीट तो मैं अब ले लूंगी ना, छोड़ने वाली नहीं हूँ। आपकी बहुत तारीफ सुनी, अब सच में बहुत अच्छी। आप ही की सरज हो। अब चलो ये सब बातें छोड़ो, आप दोनों आराम से बैठकर बातें कीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। मम्मी जी ने कहा था ना, रिश्ते जोड़ने से बनते हैं, और उन्हें जोड़ने के लिए एक मौका दे दिया जाता है। गलतियों को माफ किया जाता है और बीती बातों को भुलाया जाता है। दीदी कुछ नहीं कहोगी? श्रद्धा प्लीज मेरी तरफ देखो। प्लीज प्लीज कुछ बोलो। तब तक पूरे पैसे ना मिले ना तो औरत की इज्जत देखते ही लेने, मैं कल ये घर खाली करा दूंगा। जेटली भाई मेरे भाई आ जाएंगे, जेटली भाई प्लीज प्लीज जेटली भाई। समाज भी यही मानता है ना कि औरत डोली में बैठ के अपने ससुराल जाती है और फिर वहां से उसकी अर्थी ही निकलती है। ये
प्लीज श्रद्धा कुछ तो बोलो, तुम्हारा मन करे तो तुम भी मुझे थप्पड़ मारो, लेकिन प्लीज प्लीज कुछ बोलो। क्या बोलूं? कैसे मैंने ये एक साल बिताया है, कैसे अपने बेबस ध्रुव के साथ उस अनजान शहर में रही हूं मैं? क्या बोलूं कि लोगों ने कितने ताने दिए हैं मुझे, मेरा पति तुझे छोड़ के चला गया, तू अपने पति को खुश नहीं रख सकती थी? चेहरा अच्छा है फिर भी वो छोड़ के चला गया, ये बोलूं? श्रद्धा, I know, I understand. मैं सब समझता हूं। काहे सताए? तुम कुछ नहीं समझ सकते। दिन रात ध्रुव के क्वेश्चंस। मेरे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा वापस कब आएंगे? मेरे पापा फोन क्यों नहीं करते? बाकी सबके पापा उनके साथ रहते हैं तो मेरे क्यों नहीं? तुम समझते हो ध्रुव का दर्द? अगर तुम ध्रुव का दर्द समझते ना तो फिर तुम ना, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा। अरे तुम्हारी शर्मिंदगी मेरी जिंदगी का वो एक साल वापस लौटा सकती है? घर बाहर चुपती नजरों ने साल भर मुझे छलनी कर दिया, देखो मुझे मेरी रोम रोम में कैसे जिल्लत और बेचारगी रिस रही है, जलील हुई हूं मैं, जलील हुई हूं मैं बॉबी, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। खोटी खरी लागे हैं बिखरी बिखरी लागे हैं, हाथों से छन जाती है समेटी न जाए जिंदड़ी जिंदड़ी जिंदड़ी, काहे सताए जिंदड़ी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।